टीना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवाय किचन में। आज इस शिवाय किचन में बनने वाला है पनीर चिली। तो आप देख सकते हो डिश देख के आपके मुंह में पानी आ रहा होगा और इसे मैं थोड़ा और गार्निश कर लेती हूँ ताकि ये और बढ़िया सा दिखे। इसे पनीर चिली भी बोलते हैं या फिर चिली पनीर भी बोलते हैं। ये रेसिपी बनाने में बहुत ईजी है, कुछ मिनटों में ये रेसिपी बन जाती है। तो इस वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखें और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो आप कभी भी मिस ना करें। तो चलो हम पनीर चिली या फिर चिली पनीर बनाने की शुरुआत कर लेते हैं। पनीर चिली बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है। इस बाउल के अंदर मैं अभी 200 ग्राम ये पनीर डाल दूंगी। ये जो पनीर है वो रेडीमेड जो मिलता है वो ही ले लिया है, मलाई पनीर है। और इस तरह से मैंने इसके क्यूब कर लिए है। अभी मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। तो पहले हम 2 टेबलस्पून डालेंगे। अभी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक डाल देती हूँ इसके अंदर। अराउंड मैंने 1/4 टीस्पून ही लिया है अभी नमक। और मैं अभी इसके अंदर 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। एक बार आप ज़रूर कश्मीरी लाल मिर्च डाल के ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा बनेगा। अभी इसको हाथ नहीं लगाते हैं, इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेते हैं पहले। अभी मैं फिर से इसके ऊपर 1 टेबलस्पून डाल देती हूँ कॉर्न स्टार्च और इसके ऊपर हाथों की मदद से पानी छिड़क देंगे। इस तरह से पानी छिड़कना है, एक साथ में डालना नहीं है, इसे स्प्रिंकल करना है ताकि जो हमने जो इसके अंदर जो सारी चीज़ें डाली है वो अच्छे से कोट हो जाएगी। और फिर से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे ये स्पेचुला ले रही हूँ, ज़रूरत लगी तो थोड़ा बहुत पानी हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करते जाएंगे। तो अभी मैं थोड़ा और पानी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे जो ये पनीर है वो अच्छे से कॉर्नफ्लोर और हमने जो सारे अदर इंग्रेडिएंट्स डाले थे इससे अच्छे से कोट हो चुका है। अभी मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। पनीर फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले ली है और उसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। शैलो फ्राई करने वाली हूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऑयल नहीं डाला है। अभी ये तेल गर्म हो चुका है, धीरे धीरे करके हम इस पनीर को रख देंगे। यहाँ पे जो तेल है वो मैंने एकदम गर्म नहीं किया है, मीडियम गर्म है। 1 मिनट के बाद हम इसे पलट लेंगे। मैं इसे अभी पलट लेती हूँ। अभी जो ये पनीर है वो फ्राई हो चुका है। मैंने करीबन इसे 2 मिनट तक इसे पकने दिया है। गैस को बंद कर लेती हूँ और इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अभी मैंने जो पनीर का एक्सेस जो ऑयल था वो मैंने निकाल लिया है, जिसे आप सब्जियों में या फिर दाल में भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टेबलस्पून सूखा लहसुन ले लिया है और इस तरह से मैंने बारीक से काटा है। जब भी आप इंडो चाइनीज कुछ भी बनाते हो तो उसमें काटने की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ पे मैंने भारी मात्रा में लिया है इस लहसुन को। आप कम मात्रा में भी ले सकते हो। तो मैंने 1/2 टेबलस्पून जितना ये लहसुन लिया है। अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 टेबलस्पून। मैंने यहाँ पे अदरक ली है, इस तरह से मैंने ग्रेट कर लिया है अदरक को, तो 1 टेबलस्पून लिया है वो। और अभी मैंने गैस की फ्लेम को स्लो रखा है। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों। ये जो मिर्च है वो तीखी मिर्च है तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे एक हरी मिर्च ली है और एक लाल मिर्च ली है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसके अंदर मैं डाल देती हूँ, मैंने एक बड़ा सा कैप्सिकम लिया था और इस तरह से मैंने स्क्वायर में इसे काट लिया है। तो एक बड़ा सा कैप्सिकम स्क्वायर में कटा हुआ। मैंने 2 मीडियम साइज की ही ऑनियन ले ली थी और इसको मैंने इस तरह से स्क्वायर में इसे भी काट लिया है। अब यहाँ पे मैं नमक इसके भाग का डाल देती हूँ। नमक डालने में थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पे हम सोया सॉस भी डालने वाले हैं तो नमक की मात्रा ज़्यादा ना हो जाए। और अभी मैंने गैस को फास्ट कर लिया है। गैस को ये स्टेज पे हम फास्ट गैस पे ही करेंगे और इसे बहुत नहीं पकाना है, क्रंची रखना है। जब भी आप पनीर चिली खाने जाओ तो आपको पता होगा कि हमेशा वो क्रंच आता है खाने के टाइम, तो वो क्रंच आना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसके अंदर मैं सारे और इंग्रेडिएंट्स डाल देती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने डार्क सोया सॉस लिया है वो डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैगी का जो हॉट एंड स्वीट सॉस आता है वो मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर डाल दिया है। मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून जितना टोमेटो केचप डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ विनेगर, ये ऑप्शनल है, इसकी जगह पे आप नींबू का भी यूज़ कर सकते हो। और
और यहाँ पे मैं 1 teaspoon कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी ताकि इसका जो कलर है वो एकदम रेड आए और ये बहुत अच्छा लगता है। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल के खीर पनीर को, और इसे फटाफट हम अच्छे से मिक्स करते हैं। करीबन 1 से 2 मिनट तक इसे पकाएंगे। अभी 2 मिनट हो चुके हैं, अभी इसके अंदर मैं पनीर डाल देती हूँ। जो हमने फ्राई किए थे वो सारे पनीर इसके अंदर जाएंगे और मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लेती हूँ। अभी मैं उसके अंदर कॉर्न स्लरी डाल रही हूँ, मतलब यहाँ पे मैंने 1 tablespoon कॉर्न फ्लो लिया है, कॉर्न स्टार्च लिया है, उसके अंदर मैंने 1/4 cup पानी डाला है, 1/4 cup पानी डाला है वो मैं इसके अंदर अभी डाल देती हूँ और इसे अच्छे से अभी मिक्स कर लेंगे ताकि थोड़ी देर ये पकेगा तो इसके अंदर ग्लेज आ जाएगा। 1 मिनट के अंदर ही इसके अंदर अच्छे से ग्लेज आ जाएगा। भाई यही स्टेज पे इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 tablespoon मैंने हरा लहसुन ले लिया है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ज़रूर डालिए। 2 tablespoon मैंने हरा लहसुन ले लिया है और यहाँ पे मैंने 1/4 cup ले लिया है हरा प्याज। तो यहाँ पे मैंने जो ये प्याज है उसके पीछे का जो पोर्शन होता है वो ही ले लिया है और थोड़ा सा आगे का जो पोर्शन है इस तरह से मैंने काटा है तो वो भी मैं इसके अंदर अभी ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अभी नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने जब पनीर बनाया था तभी भी नमक ऐड किया था और आगे भी हमने ऐड किया हुआ है। तो अभी ये पनीर चिली हमारा बन चुका है, गैस को बंद कर लेती हूँ और इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। इसे मैं प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। आप देख सकते हो कितना बढ़िया सा कलर आया है इसका और इसमें से स्मोक भी निकल रहा है, गर्मा गर्म है। तो आप भी आपके घर पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग पनीर चिली बनाइए, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से बना है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपकी पनीर चिली कैसे बनी। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है, मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल का बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप कभी भी ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।